इस एनवेलप में है वो गेम चेंजर। और ये एनवेलप बहुत कुछ घुमाने वाला है। कैंप में वापस आने के बाद मुझे एक लेटर मिला। Hey Kevin, I know you miss me and right now you feel you can't win the show or do anything. But trust me when I say this, our season 17 turned amazing because Team Loyalty won. And this season will be great if you win. There is only one lion in a jungle and he stays alone. I know you hate Moose and want to kick her out, but remember I will be happier if you win with her. Praying for you, champ. Make me proud. Love, Arushi. अभी तो रुकना नहीं है बॉस, अभी सिर्फ और सिर्फ जीतना है। अबे ये कौन है न्यू कंटेस्टेंट? It's time for some big muscle. Cheers, cheers, cheers to good workout. Hello, roadies. Hello. Tasks and traveling can take a toll on you, but I have something perfect to re-energize you. Enjoy these amazing Rage Coffee hampers. Whoa! Rage Coffee है award winning coffee with plant infused vitamins. Keep raging, Rory! Level up coffee game, guys. Once again, I had lost my mug, but it's now back. ये सुबह काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल थी बिकॉज़ वी न्यू देयर इज अ वोट आउट अराउंड द कॉर्नर। आई कैन बिलीव दैट केविन इज सिटिंग हियर ट्राइंग टू कन्विंस दत्ता टू नॉट फॉर बसीर। Would you rather go against your friends? Before taking him out, I should think twice. He's also not done anything like that. He's never wrote your name. I've also not written his name. This vote out was about to be one of the most difficult vote outs because target tha Basir Ali. Today I just request you ki agar tu mere saath nahi ho rahi theek hai, but at least against mat jana because it'll hurt me and it will obviously damage everything I've done on the game so far. You also hurt me on the show. Basir, I think it's a little too late for you to emotionally manipulate me because Ret ab haathon se fisal chuki hai. If you don't stand with me today, probably meri journey yahi khatam hai. प्लीज कंफ्यूजन हटा दे, थोड़ी क्लैरिटी ले आ। पता तो था कि बहुत सारे लोग आज मेरे अगेंस्ट हैं। आई जस्ट न्यू कि कौन अगेंस्ट नहीं है। इफ यू कैन जस्ट ट्राई टू नॉट वोट अगेंस्ट मी आई विल बी हैप्पी। मेरे साथ नहीं करते ठीक है, बट अगेंस्ट मत करना। मैं बस एक ही बात बोलूंगा, तुम्हें लाइफ में ना कभी पिच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा तो बोलने की बात ही नहीं है। मुझे सिर्फ दो चीजें बोलनी है तेरे को कि जो हमारी मेजॉरिटी है बसीर के अगेंस्ट, उसमें जो इम्पोर्टेंट वोट्स है वो तेरा और दत्ता का है। अगर तूने वेस्ट कर दिया और बाय चांस दत्ता ने भी वेस्ट कर दिया तो सोहेल वहाँ जा रहा है। बट देख, मैं बसीर के अगेंस्ट तो वोट नहीं डालूंगा। तू समझ नहीं रहा है। अगर सोहेल और तू मेरे दोस्त हैं युक्ति, तो बसीर भी मेरा दोस्त है। तो बट हम क्या, तू बसीर के साथ खेल रहा था स्टार्टिंग से? एक बात बोल रहा हूँ, तो गौरव और सिमी के अगेंस्ट कर ले फिर। तो एक बंदे के वोट के लिए सात लोगों के वोट चेंज करेगा? और सिम्मी हमारे साथ नहीं खेली है डे वन से। बसीर वाज ऑलवेज ऑन द अदर साइड। सिम्मी का वोट तो तेरी तरफ नहीं पड़ा ना। सोहेल तेरे अगेंस्ट गया कभी? नहीं गया। कितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, मैं उसको बाहर कैसे जाने दे सकता हूं? गेम्स नहीं जा रहा हूं, बाहर कैसे जाने दे अपना वोट। आई थिंक आई कंप्लीटली लॉस्ट इट, क्योंकि जो तीन लोग स्टार्टिंग से खेलते हुए आए हैं वो तो आपकी प्रायोरिटी है ना, तो आप उनसे पीछे हटके किसी और को प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं? आज मैं तुझे बता रही हूँ,
कि अगर तूने वोट वेस्ट किया तो सोहेल और सिड बाहर जा रहे हैं, और अगर वो हुआ तो दिस इज गोइंग टू गेट वेरी पर्सनल फॉर मी एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. अब इसके आगे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं. जैसे तू बोल दिया ना सेम वेज बसी मेरा दोस्त है, यू आर फाइटिंग फॉर सोहेल, मेरा बसी भी हैज ही प्लेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे विद यू, वर यू ऑन दैट टीम? We were a team, Bhatia. We've always been a team. Of course, we are a team. But Basir is my friend. But you cannot give up on your team at the last minute when you want to save one friend. You cannot give up on your team. I'm not talking about saving. I'm not talking about saving. You waste it. You will save. I'm not saving. 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 I'm कि मेरे दोनों दोस्त है, मेरे चार दोस्त है, मैं सबको साथ में लेके चलूंगा और मैं सेफ रहूंगा. उसके साथ ही खेल लेता ना, फिर क्यों खेला मेरे साथ या सोहेल के साथ? And this is very personal, Bhatia. This has nothing to do with the game. This is very personal for me. गेम का ये ऐसा पॉइंट था कि समझ नहीं आ रहा कि बाहर दोस्ती है उसको निभाया जाए, अंदर दोस्ती है इसको निभाया जाए. हम सेम पेज पे आ ही नहीं पा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ यार मैं क्या करूँ. अभी तैयार हो जाओ अपने अगली जर्नी के लिए. डोंट फॉरगेट टू बी सन रेडी. लैक्मे टिंटेड सनस्क्रीन. लोकेशन बहुत ही बढ़िया थी, हम सब बहुत मस्ती कर रहे थे, हमने बहुत सारी फोटो खींची हमारे इन्फिनिक्स नोट 12 के 50 मेगापिक्सल कैमरे से. क्वालिटी बहुत मस्त थी, फोटोज बिल्कुल सुपर आई. तो फाइनली हम एक और सफर पूरा करके वी मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन. द नेक्स्ट लोकेशन इज केप टाउन. हर एक रोडी इन दिस सीजन ड्रीम्ड टू बी इन केप टाउन. हम राइड कर रहे हैं, सिटी वाला वाइब हमें फील हुआ और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी थी, देख के आंखों को ठंडक, कलेजे में ठंडक पहुंच गई. Hey, yo, guys, what's up? It's your boy Ashish Bhatia. Welcome back to my vlog. और हम आ चुके हैं सिटी में. It is Cape Town, baby. Cape Town में जैसे ही हम उतरते हैं, हम जाते हैं द ग्रैंड डैडी होटल. Ladies and gentlemen, it's showtime. Attack. Hi. हमें बोला जाता है कि आप ऊपर आइए. अनाउंस लाइक कि छत पे क्यों लेके जा रहे हैं यार, छत पे रूम होंगे क्या हमारे? As soon as we go out from the staircase, we see the most unexpected thing. Jack, your favorite. A road trip to South Africa. This is पूरी मजा मारते नहीं नानी वो. Wow, ये मेरा और सीट का है. This is our pet, जिसका नाम है कैरावान के अंदर घुसे. It felt like a vanity and we were feeling like some celebrities. सबने अपने अपने caravans choose कर लिए. फिर Lakme की तरफ से हमारे लिए hampers आए थे. Hamper time. Welcome to Cape Town, the final destination of your journey in South Africa. और इस moment को और special बनाने के लिए has a special hamper from Lakme Sun Expert. Be sun ready. Around the streets of Cape Town. Beautiful. Around 35-40 days के बाद हम एक civilized area में आए हैं जहाँ पे buildings हैं, structures हैं, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं. हमारी अच्छाई देखो, हम सिविलाइजेशन में भी कितने अनसिविलाइज लोगों को लेके आए हैं. हमने काफी मजे किए एंड एंजॉयड बिकॉज इट कुड बी आवर लास्ट नाइट इन केप टाउन, क्योंकि इट्स टाइम फॉर द वोट आउट. वो
Welcome, welcome. This is Infinix Smartphones, MTV Roadies Co. powered by CoinSwitch, Pari Sanitary Pads, Leverage Edu and Lakme Sun Expert. Roadie, sab, rukna nahi. साउथ अफ्रीका के एक कोने से शुरू हुए चलते चलते जंगलों में कैंप्स में हर जगह बिताकर अब केप टाउन में आए हो तो चमक अलग है क्यों है कि नहीं है सर आज इतने दिनों बाद इन लोगों से अलग लोग देखने को मिले सड़कों पर चलते हुए exactly. तो बहुत अच्छा लगा लोग दिखे पहले तो आप सिर्फ जानवरों को देख रहे थे और जानवर आपको देख रहे थे और आज लोगों को जानवरों को देखने का मौका मिला अच्छा एक बात बताओ हमेशा हर एक एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखा कर जाता है राइट जी सर बिल्कुल क्या आपको लगता है कि जो आप 30-40 डेज पहले आए थे आप कुछ और वाइज बन के जाओगे यहाँ से बहुत अर्ज तो ऐसे ही ला रहा मुझे दिख तो नहीं रहा वाइज होता हुआ तू आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है सर सीख तो मैंने सुना है कि तू बहुत ज्यादा मेरी सीख जो सीखी होती है वहां जाके बहुत एक्टिंग करके बताता है वहां पहुंच गई वो सीख मिले ना मिले एक्टिंग जरूर इमिटेशन इमिटेशन आज तो हो जाए सर चल मैं आज अर्श बनता हूं तू सोनू सूद बन जा जाए नाउ इज टाइम डू एज मच एज यू कैन ओके काफी अच्छा बड़ी पार्टनर्स हो पे दिस आई लव बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया आज से बात करो सर मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला सर सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर कि बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके हम जब आए थे तो हमें कुछ नहीं आता सर मैंने आपसे सीखा बहुत लेकिन अभी भी मुझे कुछ नहीं आता सर क्या बात कर रहे हैं सर बताइए ना सर कुछ बताइए ना सर आप साउथ की फिल्म करी थी मैंने उसमें काफी सारी पर्सनालिटीज ऐसी थी लाइफ में जो मुझे लगा ओवरशैडो कर सकती हैं बट मैंने अपने में बिलीव रखा और आज आप लोगों के साथ बैठा हूँ बैठा थोड़ा सर आप तो खड़े हैं सर सबकी करवा दे और सबकी भी इंप्रेशंस करता है ये सबका करता है सबका कर बसीर यार क्या तकलीफ हुई यार देखो सर खाना नहीं देते सर पीने नहीं देते सर मैं आया हूँ भगवान कसम सर मैं यहाँ आया हूँ कुछ सीख के जाना चाहता हूँ और ये लोग यार मैं छोड़ छोड़ के जा रहा हूँ चार छोड़ के जा रहा हूँ यार केविन 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 आज तो I'll expose everybody वाह यार तू छा गया एकदम है चलिए आगे बढ़ने से पहले हमने देखा कि इम्यूनिटी बड़ी जरूरी होती है और आपने डिसाइड किया किसको मिलनी है इम्यूनिटी डिसाइड किया वाह सर जश एंड आरुषि दत्ता आर गेटिंग द इम्यूनिटी वाह दत्ता तेरे को ऐसा लगता है कि जश तेरा बड़ी पैर है और ऊपर होम मिनिस्ट्री के अंदर नंदू बैठी हुई थी उस चक्कर के अंदर भी सीधी इम्यूनिटी मिल गई हो नहीं सर तो ये सबका कलेक्टिव डिसीजन था ऐसा नहीं है कि इन दोनों का अकेले का डिसीजन था क्योंकि हम टीम के साथ खेले हैं तो जीते भी पूरी टीम है एंड आई थिंक वी ऑल अग्री ऑन दैट तो सोहेल सेठ ने क्यों नहीं लिया इम्यूनिटी दे हैव आल्सो गिवन अस अ वर्ड कि दे वोंट गो अगेंस्ट अस इफ इट इज अ नंबर गेम तो वी आर वी गिव यू आवर वर्ड नो पहले भी भाई तूने बहुत वर्ड्स दिए अच्छा तो आई डोंट बट हैव आई एवर गॉट अगेंस्ट माय वर्ड आई डोंट ट्रस्ट आई एम नॉट लाइक यू गाइस ब्रो You call me the manipulator, but that girl over there is number one manipulator person I've ever met in my life. Like, she can go inside your head and make you believe that you're not you. भाटे कैसे manipulate नहीं हुआ फिर? You don't need to manipulate him. He'll just join the majority. तू majority लेके आ, वो भी join करेगा. इसका game यही है. पहले दिन से बोल रहा मैं अकेले खेलता हूँ, मैं अकेले खेलता हूँ. कभी अकेला नहीं खेला भाई. और जब मैंने यही बात बसीर के बारे में बोला तुम लोग की भी यही चीज बोलो बसीर स्टूर अप हु ऑल आर माय फ्रेंड्स एवरीबॉडी रेज देयर हैंड नाउ टुडे आई वांट टू सी दोस फ्रेंड्स ब्रो टुडे आई वांट टू सी ऑल दोस फ्रेंड्स हमारे बड़ी पेस में कितना सिंक है आपस में मेरा तो अभी सर सिंक ऑफ हो रहा है
कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट लॉस ऑफ सिंक हो रहा है हमारा. हो रहा है सिंक. बिल्कुल हो रहा है. सिमी. हाँ सर. मेरा सर लाइक ही सेड सिंक तो लॉस्ट है. मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आगे जो जर्नी हम लोग देखने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सिंक रहेगा. इसलिए आज के वोट आउट में सभी लोग वोटा करेंगे लेकिन हर बड़ी पेयर के बिहाफ पर सिर्फ एक ही मेंबर उस बड़ी पेयर का वोट डालेगा और वो एक नहीं दो वोट डालेगा. आपका बड़ी पेयर आपको बता सकता है कि आप मेरे बिहाफ पर आप एक्स वाई जेड को वोट डालिए. जो मेंबर डालने जा रहा है उसकी मर्जी है कि वो जो आपने नाम बताया वो डाले या कोई भी और नाम डाले. चलिए पहले हम लोग वहां से शुरू करते हैं. युक्ति और अच्छा आप में से कौन जाने वाला है? सर मैं. युक्ति जाने वाली है. सिट एंड सोइल. प्लीज प्लीज हो गया फाइनल. लेट मी गो. यू ट्रस्ट मी. तो यू ऑल्सो ट्रस्ट मी इन दिस. ट्रस्ट मी. आई एम नॉट डूइंग दिस विद यू. आई हैव नेवर डन दैट. यू हैव मल्टीपल टाइम्स एंड आई डोंट ट्रस्ट यू. आई राइट फुल नेम्स. यू सी इट. सो आई विल आल्सो फाइल राइट फुल नेम्स. यू विल सी इट ऑन योरसेल्फ. नो सिंपल एज दैट. What if you write two names both? No, I won't. I'm telling you, I will not do that. What is your? That means you don't have that trust on each other, right? It's simple. This is the start of our trust. If you want to build it, you build it. Otherwise, I don't want to do this with you. I'll go. I'll write. Shut the. Shut the. क्या बात हो रही है अर्श युक्ति आपके बीच में? ओके अर्श कह रहा है कि कॉइन टॉस करना पड़ेगा. सिड मैं जा रहा हूँ. सोहेल जा रहा है. बसीर एंड सुन. आई विल गो. सुन जा रही है. सिमी एंड गौरव. मैं जाता हूँ मुझे कुछ बोलने का मौका है. अच्छा बोल गौरव बोल. आई एक्चुअली वॉन्ट सिमी टू गो. मैं बस चाहता हूँ क्योंकि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो और मैं कह रहा हूँ मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ बट एक छोटा सा मैं आपसे तीन चार चीजें सुनना चाहता हूँ. सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप बोले कि मेरे दोस्त भी दोस्त हैं और आपके दोस्त कोलैटरल नहीं है. आपके दोस्त भी दोस्त हैं. नंबर वन कैन यू से दैट. व्हाई यू मेकिंग मी डू दिस. बिकॉज व्हाई यू मेकिंग मी डू. बिकॉज दिस इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज. सिमी सर वो मेरे पास कौन सी फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप इज अ फेलियर. किस किस की फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं? सर बसीर और गौरव की फ्रेंडशिप. क्योंकि मेरा नाम इधर मेंशन हुआ है सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि देर आर गुड डेज एंड बैड डेज. कहीं पे आप उन उसी उन्हीं दोस्तों के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते जिसके साथ एक्चुअली गेम खेल के आ गया है. कभी ऐसा होता है रैंडमली किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन वैसी है. उसके दिल में वो क्वेश्चन उठे उसके वो जब तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ वो क्लियर नहीं हुआ. यहाँ पे हर कोई अपने अपने तरीके से खेलता है. कोई जज्बात पे खेलता है कोई दिमाग से खेलता है कोई दिल से खेलता है कोई अलग तरीके से खेलता है. तो अगर उसने बोली होगी ये बात कि मैं बसीर पे ट्रस्ट नहीं करता एंड ऑल दैट तो जब आप ये बोल रहे हो कि योर फ्रेंडशिप इज अ फेलियर व्हेन ही इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हर्ट तो वो शायद आपके बड़ी पेयर के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट. माय पॉइंट इज दैट ओनली आई नेवर यूज द वर्ड ऑफ फेलियर. God. Baba, I think the point is not the word. God, you're lying right now, Sami. You're lying. I am not lying. You're lying out. I'm not lying. Right. आपकी दोस्ती अगर फेल हुई है तो मैं अब कौन जज कर रहे फेल हुई है कि नहीं हुई है. आपने खुद बोला मुझे बोलने की जरूरत. मैंने कब बोला जोशी फेल हुई है? मैंने कब बोला है दोस्ती फेल हुई है? ओके जी. मैंने बोला है कि जो चीजें हो रही हैं जो चीजें मैं उम्मीद करता हूँ अपनी दोस्तों से वो नहीं हो रही है. उसका मतलब ये आप जज करके ये बोल दो कि दोस्ती फेल हुई है. जज वज नहीं है. तो मैं आपको बोलूं आपकी दोस्ती कैसी है कैसी नहीं है. ये आपके खुद के वर्ड्स हैं. ये मेरे खुद के वर्ड्स हैं कि दोस्ती फेल हुई है. आर यू मेकिंग इट क्लियर राइट नाउ? आर यू मेकिंग इट क्लियर? गिव मी अ यस. सो यू वांट टू प्ले अ डिफरेंट गेम? आई प्ले अ डिफरेंट गेम. यस. आपके लिए व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट कि आपकी दोस्ती के अलावा भी दोस्ती है यहाँ पे? कैन यू से राइट एंड कोलैटरल नहीं है जी बोल सकते हैं आप? कोलैटरल नहीं है. ठीक है और क्या बोलना है आपको? आप एक और चीज बोल सकते हैं कि आपकी जो दोस्तियां हैं वो फेलियर नहीं है. सॉरी ये मैं नहीं बोलूंगा. ये आप नहीं बोलेंगे. ओके. ओह माय गॉड. ओह माय गॉड. लेट्स जस्ट कट आउट कट दिस थिंग आउट ना. मैं बस इतना चाह रहा हूं आप ये बोल दें. मैंने अगर बोला है मेरी दोस्ती फेलियर है तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहता हूं. क्या आप लेना चाहोगे? आप जो बोलते हो ना गौरव मैं वही मानती हूँ.
आप जो आज कह रहे हो कि आपको लगा पहली बार जो मैंने इनको प्लीज इनको लगता है कि ये ना चिल्लाते नहीं है प्लीज इनको बोलो शांति से बात करो वरना cuz he is really talking in my ears and I can't take it I'm too loud sir I'm requesting चलो आप धीरे बात कीजिए गौरव अगर तू इतनी बातें बनाएगा ना जो बच्चा कुछ ट्रस्ट है वो भी टूट जाएगा सिमी एंड गौरव आप में से कौन जाने वाला है सिमी जा रही है बट मैं उस एक्सरसाइज के बिना अग्री नहीं तो कॉइन वो फ्लिप कर लेते हैं ठीक है केविन एंड मूज मूज जा रही है वाह केविन आज मुझे देखना है कि ट्रस्ट का एक और इम्तिहान है यस ठीक है भाटिया एंड नंदो लेट मी गो सर मेजॉरिटी के हिसाब से द टारगेट वाज बसीर मतलब बहुत क्लोज है मेरे भाई है मेरा लास्ट टाइम जब चावला और साक्षी का जब आया तो उस प्लान का मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि वो होने वाला है बट इफ आई कैन डू समथिंग गुड फॉर बसीर टुडे तो आई रियली वांट इट टू हैपन नंदू भाटिया को जाने दे कि वोट आउट करने सेम वे भाटिया क्यों बड़ी पेयर ट्रस्ट नहीं कर रही है जाने के लिए तेरे को सर लास्ट टाइम मैंने तो किया था एक मिनट सर इसने मुझ पे ट्रस्ट करके वोट नहीं डाला था इट्स व्हाट अ टीम डिसीजन एंड दिस आल्सो इज अ टीम डिसीजन इट इज नॉट ऑन मी आई नेवर आस्क्ड हिम टू गो अगेंस्ट एनीबॉडी आई नेवर डिड प्लीज ओके इट वाज अ टीम मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इस समय आपकी बड़ी पेयर है नंदू यस सर नंदू कहती है मैं भाटिया को नहीं जाने दूंगी वोट आउट करने भाटिया भी तो यही कह रहा है भाटिया भी कह रहा है नंदू को वापस नहीं जाने देगा अकेले वोट आउट करने के लिए इधर वी कैन फ्लिप द कॉइन और वी कैन डू रॉक पेपर सीजर व्हाटएवर ओके ठीक है फ्लिप द कॉइन Latanjash. Well, you know how personal this is for me. You know how much it affects me. Jash, trust hai tereko? I think she's the woman of her word. So, I trust her. Hum log pehle Arsh aur Yukti se baat karte hain. I've got heads and I've got tails. Heads. Who's going to take a call? Heads. For Arsh and Yukti. It's heads. Gaurav and Simi. मैं सर एक सेकेंड आई वुड वॉन्ट Simi टू गो एंड डू द वोट Kevin, माई प्लेस टू स्पीक प्लीज let me स्पीक Simi विल गो एंड नो कॉइन ठीक नो कॉइन सो डन नंदू एंड भाटिया Heads. Heads. It's tails. शुरू करते हैं चलिए युक्ति आपसे शुरू करते हैं yeah. चलिए अभी देखते हैं इसमें कितने दिल के मामले हैं कितने गेम के मामले हैं कितने रिश्ते निकल रहे ठीक है पहला जो वोट हुआ है वो है बसीर एंड सुन मैं Simi और सुहेल दोनों के अगेंस्ट नहीं जा सकती सो दैट इज माय डिसीजन पहली बार आया सर नाम आज और आज ही टाटा बाय बाय सेकेंड वोट इज बसीर एंड सुन मैन पे अब ये इस पॉइंट पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ जो तीसरा वोट है वो है गौरव एंड Simi दैट्स माय वोट वेयर आई वांटेड टू वेस्ट माय वोट नीदर आई एम गोइंग अगेंस्ट बसीर नॉर सोहेल एंड सिड अगला दोनों वोट जो है सिड एंड सोहेल Sid Sohail, two votes. Basir Sun, two votes. Two votes. Simi Gaurav, one. Agla vote. Agla jo vote hai, Sid and Sohail. ये मेरे बड़ी प्यार केविन का वोट है और ये सारी इंफॉर्मेशन भी उसकी है अगला है बसीर एंड सुन हमारे आपस की गेम हमेशा हैज बॉटल डाउन टिल सर्वाइवल
So Sohail said you are on 3. Basir and Sun, you are on 4. So Basir and Sun, you have company. It's Sohail and Sid. You both are on 4. इनमें से वो भी लोग हैं जो खुद गेम नहीं खेल रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं जो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं. So maybe he should be out of the game. Next vote. Arsh and Yukti. This is only and only for my medical. I don't know why I did this. I don't trust him right now. अगला जो वोट है बसीर एंड सुन. ये मैं अपने बड़ी पैर के लिए वोट कर रही हूँ. उनको हेड्स और टेल्स करना था तो अब हेड्स और टेल्स करना था तो यही है भाई. अगला है बसीर एंड सुन. I'm keeping my promise given to my buddy pair. Sadly, I had to do this. Sorry, bhai. ये दोनों वोट एक ही बड़ी पैर के लिए. एक ही बड़ी पैर के. Damn, it's a tie. हम ही हैं. It's a tie. 6-4. टेंशन मत लीजिए, मैं बता देता हूं अगले दोनों वोट जो हैं सिड और सोहेल के नहीं हैं. वो हैं बसीर और सुन. यस, ये जश का वोट है. इट्स जस्ट फॉर सर्वाइवल. आप या हम. आपने ना मेरी दोस्ती की इज्जत करी और ना ही मेरे प्यार की. सो दिस इज व्हाट इट इज. कितने हो गए वोट्स? 8. बसीर एंड सुन. जो मैक्सिमम वोट्स हैं वो आप दोनों के अगेंस्ट हैं. सो ऑब्वियसली आप लोग घर जाने वाले हो. लेकिन 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 प्लीज प्लीज सर, इस बार फॉर वंस आई वांट टू हियर लेकिन. लेकिन जिसके खिलाफ भी वोट आया है, चाहे वो एक वोट आया है या कुछ भी आया है, इस समय वो डेंजर जोन में है. उनमें से भी वो घर जा सकता है. अब मैं कुछ निकालता हूं आप लोगों के लिए. ओह गॉड. इस एनवेलप में है वो गेम चेंजर. पूरे वोट आउट में ये एनवेलप यही पहले से था, पहले से लगाया हुआ था. और ये एनवेलप बहुत कुछ घुमाने वाला है. फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट, योर ड्रीम आवर मिशन की तरफ से आपको मिलती है एक स्पेशल एडवांटेज. सुनना चाहोगे क्या है? यस सर. यस सर. अब जिस जिसके खिलाफ जो जो वोट्स आए हैं उसे ये बताना है कि ये वोट किसने डाले हैं. अगर आपने सारे नाम सही बताए तो आप बच जाओगे. और अगर आपने वो नाम गलत बताए तो आप घर जाओगे. जब आप टाई हो जाते हैं तो जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट्स होंगे
वो घर जाएगा. If they can just say who voted for them, they'll be safe. हम सब ने जवाब लिख के सोनू सर को दे दिया. चलिए शुरू करते हैं. बसीर एंड सुन. तो दो युक्ति. बसीर एंड सुन. एक नंदू. दो सोहेल सेठ. ये एक सिमी हो सकती है. बस ये सिमी है. बेसर बेसर भाई बेसर. बसर. द बॉन्ड इज बिगर देन द गेम. दो जश और आरुषि. दैट्स जश. बोलने में बहुत अच्छा लगता है सर. बातें जब बीतती है तो पता लगता है. I love you, but you made me do it. बहुत बिग है सर. कौन है? लता. Yes. You're right. वसीर कुछ बोलना है? सर मैंने बस एक ही चीज बोली थी कि मुझे बता देना. शौक नहीं चाहिए. आपको शौक लगा? पता था. सर आई वांट टू से समथिंग. हाँ. मैं किसी और के लिए यहाँ पे नहीं बोलूंगी बट आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ. और सर जब किसी का दिल दुखता है ना, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में, विश्वास हो, ट्रस्ट हो, कनेक्शन हो, कुछ भी हो, तो उसको कभी भी ज़्यादा या कम नहीं आंका जाता. दिल दुखना होता है. आप डिसाइड नहीं करते हो कि अच्छा ये वैलिड है या नहीं है. आपको बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ मैंने दिल दुखाया है. दैट्स इट. तथा दिया वोट तो दिया, भी दुख किस चीज का? नहीं सर, मुझे रोना इस बात पे नहीं आ रहा कि मैंने नाम लिख दिया है. मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि मुझे उस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है सर, क्योंकि उसने मुझे इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया कि मुझे ये करना पड़ा सर. And that's the only thing that I feel so bad about. I feel the worst about it. और ये सबको पता है ये बात. I don't have to prove it. I don't have to. अब उसको लग रहा होगा कि ये रोके emotional drama कर रही है. Whatever it is, he can think whatever he wants to. मैं चाहती बहुत easily इनको बोल देती कि नहीं नहीं मैं कर रही हूँ और flip कर जाती end में. No, okay बस. Leave me out of this. चलिए हम लोग ये देखते हैं कि अभी जो बसीर और सुन ने सारे नाम जो आठों वोट बताए वो सही थे या नहीं सही थे. तो वो एकदम सही थे. और अगर बाकियों में से किसी ने एक भी गलती की हुई तो आप दोनों यहीं बने रहोगे और जिसने गलती की होगी वो घर जाएगा. सोहेल एंड सिड, इट सेड्स स्टॉप डिपेंडिंग ऑन युकाटी. बसीर सुन. युकाटी. आई टॉट यू दिस बाइक. सुहेल. युकाटी. नेक्स्ट पढ़ते हैं. सिड सोहेल. बाप बाप होता है. इट्स एफ पर्सनल. बाप बाप होता है. कौन लिखा होगा सोहेल से? अरे यार भाई हमारे उनको डायलॉग मारना था ना सीजन वाला लाके. अलग ही है. लगता बुरा लगा सर. सिद बार बार सोहेल को एक ही चीज बोलता है कि तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है. तू मुझे एक ही चीज कहनाता है कि बाप तो एक ही होता है, बाप बाप होता है. सब कुछ मैं याद करके जाके लिख के आई हूँ. या ये यू वो देखने वाली बात है. और अगर केविन तेरे डायलॉग ये नहीं लिखती तो ट्रस्ट गॉन. चलिए सोहेल सेठ मूज.
सुहेल सेठ, नाम बताने जरूरी है अभी। बशीर एंड सुन। तो चार नाम आपने बताए, ये चारों नाम सही है। अर्श और युक्ति। यस सर। गौरव एंड सिमी, अगर आपका कोई भी नाम गलत हुआ तो आप घर जाएंगे और बशीर और सुन रुकेंगे। अर्श एंड आई कैनॉट राइट दिस नेम, प्लीज फॉरगिव मी। गौरव का वोट था, सिमी ने दोनों के बेसिस पे डाला है, बट दिस वाज गौरव्स वोट। गौरव और सिमी। नंदू और भाटिया के बीच में जो वोट था वो भाटिया का वोट हम पे वेस्ट हुआ। दोनों वोट सही है। पहली बार मैं तुझे थैंक यू बोलूंगा। सॉरी भाई। इसका मतलब आप सभी लोगों ने जो गेस किया वो एकदम सही किया, और जो हाईएस्ट वोट्स हैं वो हैं बशीर और सुन आप दोनों के। सो यू बोथ हैव बीन वोटेड आउट, आप आ सकते हैं यहाँ पे। लेट्स गो। बशीर, कुछ कहना है? नहीं सर, बस आपसे ये कहना है कि ये जर्नी ने मुझे फिर से अपने आप से रूबरू करवाया है। नो रिग्रेट्स, नथिंग एट ऑल। जिसके साथ जैसा किया, जो किया, सही किया। मेरे को सही लगा तो सही किया। किल इट गाइस, तुम्हारा ये शो रख लो। रख लो मतलब मेरे को तो वोट आउट कर दिया, मैं पोजीशन भी नहीं हूँ रख लो बोलने की, मतलब खेल लो। और सर, आपके साथ ये मंच शेयर करने का बहुत ही आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि जब मैं लिटरली मैं ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता सर, नो लाइज, बट आई नो ऑफकोर्स आप, आई नो यू एंड आई हैव वॉच्ड योर वर्क, बट जब मैंने आपका वो काम देखा ना, रियल काम, जो गॉड्स वर्क जो आप कर रहे हो, दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, एक बारी मैंने सिर्फ एक हैशटैग पढ़ा था, सोनू सूद फॉर पीएम, एंड आई स्वेयर टू गॉड आई वाज लाइक, मैंने आज तक वोट नहीं किया है, मैं अगर करूँगा तो मैं इस इंसान के लिए करूँगा। सो आई विल वेट फॉर द डे दैट यू स्टैंड अप फॉर दैट एंड आई विल कम अप एंड वोट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जैसा लीडर हमारी कंट्री को लीड करे। एब्सोल्युटली। मजा आया बसी, मजा आया सुन, बहुत। वी ऑल आर गोइंग टू मिस यू, आई एम गोइंग टू मिस यू, एंड वी विल सी यू डाउन द रोड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, दिस इज योर सीजन। आई लव यू। जीत क्या फिर वही बरसात होगी और अश्क सारे धुल से जाएंगे, रोशनी दिन रात होगी और सब झरोखे खुल से जाएंगे।